हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। 12th वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ की, इसमें हम इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बख्शी से देख रहे हैं, और हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो या सेकंड लास्ट वीडियो हो जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसपी बख्शी बुक से देख रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में हम दूसरे सोर्सेज से भी वन वर्ड, इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इस पूरी वीडियो सीरीज़ में वन वर्ड की एक वीडियो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक दूसरे सोर्सेज से चल रही है। तो ये 12th वीडियो है इस पूरे सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है, टफ प्रोनाउंसिएशन है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो पाता सही से, मायोसियोफिया। तो ये फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ को कहा जाता है। चाइल्ड बर्थ से डर माँ को भी लग सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को, या किसी और को भी लगता हो तो उसके लिए ये वर्ड है। फिर है मेट्रोफोबिया। मेट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ मदरहुड, माँ बनने से डर। तो एक तो है चाइल्ड बर्थ से, बच्चे के पैदा होने का डर, वो भी माँ को हो सकता है, और माँ बनने का, माँ बन के उसकी जिम्मेदारियाँ निभाने का डर भी जो है बहुत सी लेडीज़ में होता है, तो उसको मेट्रोफोबिया कहते हैं। फिर है नीमोफोबिया, मैनीमोफोबिया। मैनीमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादों से डर अगर किसी को लगे तो मैनीमोफोबिया। फिर है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ फिल्थ या कंटामिनेशन, गंदगी से डर या कंटामिनेट हो जाने से, किसी नाली या उसके कीचड़ से या गंदगी से बीमार पड़ जाने से, कंटामिनेट हो जाने का डर माइसोफोबिया कहा जाता है। फिर है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया नॉक्टर्नल, आपने पढ़ा होगा नॉक्टर्नल, जैसे उल्लू नॉक्टर्नल जो रात को निकलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो निक्टोफोबिया भी उसी रूट वर्ड से आएगा समथिंग। तो फियर ऑफ डार्कनेस, डर अंधेरे के डर को, जो बहुत लोगों को होता है, निक्टोफोबिया कहते हैं। फिर है फैज़मोफोबिया। फैज़मोफोबिया भूत का डर बहुत लोगों को होता है, तो फैज़मोफोबिया कहलाता है। फिर है थैनाटोफोबिया। थैनाटोफोबिया फियर ऑफ डेथ, डेथ का भी डर बहुत से लोगों को होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये थैनाटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। स्केलेरोफोबिया फियर ऑफ बर्गलर्स, लुटेरों से, बर्गलर्स से डर को क्या कहते हैं, स्केलेरोफोबिया। फिर है ट्रिस्केडेका फोबिया। तो ये लंबा सा नाम है, तो स्पेलिंग में भी कभी पूछा जा सकता है अगर मुश्किल बनाना चाहे। फियर ऑफ नंबर 13। 13 नंबर जो है कई कल्चर्स में जो है अशुभ माना जाता है, तो उसके लिए एक टर्म ही बना दिया गया इंग्लिश में, ट्रिस्काडेकाफोबिया। डेका 10 से होता है, तो वो डेका वहाँ से होगा, ट्रिस आई थिंक 3, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्राईडेका। तो ट्राईडेका इज 10 + 3 = 13। फिर है थियोमेनिया। थियोमेनिया इज अ डिल्यूजन दैट वन इज़ गॉड। ये डिल्यूजन होना, ये गलत फहमी हो जाना, या ये इस तरीके से पागलपन वाला थॉट बहुत से लोगों में आ जाता है कि दे आर गॉड, दे क्लेम देमसेल्फ टू बी गॉड, भगवान है, उनमें भगवान की आत्मा है, समथिंग लाइक दैट, तो उसको क्या कहते हैं, थियोमेनिया कहते हैं। फिर कुछ वर्ड्स हैं वन वर्ड डिनोटिंग यंग वंस। तो जैसे एज, गधे के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फॉल। बर्ड के, बर्ड एडल्ट है तो एडल्ट उसके लिए यंग वन, नेस्लिंग कहते हैं उसको। बटरफ्लाई, मॉथ एडल्ट है उसके यंग वन को कैटरपिलर कहते हैं। कॉक के यंग वन को कॉकरल कहते हैं। काउ के यंग वन को काफ या हैफर भी कहा जाता है, दोनों वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। डियर एडल्ट है उसका यंग वन, फॉन कहलाता है। एलिफेंट का भी यंग वन काउ की तरह से तरीके से काफ कहलाता है। फ्रॉग, टोड, उसके लिए टैडपोल यंग वन है। गोट के लिए किड है। हेयर, खरगोश, उसके लिए जो है हेयर मतलब खरगोश के तरीके से होता है, रैबिट होता है वैसे तो खरगोश। लेवरेट उसके यंग वन को कहते हैं। हेन के यंग वन को पुलेट कहते हैं। हॉर्स के यंग वन को फुआल। फुआल आप ऊपर देखा हो तो फुआल एस के बच्चे को भी कहते हैं, गधे के बच्चे को भी कहते हैं, और घोड़े के बच्चे को भी कहते हैं। कोल्ट भी कहते हैं घोड़े के बच्चे को। लायन, बियर या फॉक्स के बच्चे को कब कहते हैं। मेयर के बच्चे को फीली कहते हैं। स्वान, हंस के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे, यंग वंस भी आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में।
ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था, तो आई होप ये आपको नए वर्ड्स मिले होंगे या आपने पढ़ रखे होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा। तो इसी का पर्पज़ है ये, यही पर्पज़ से ये पूरी सीरीज़ चल रही है, ख़ासतौर पे वन वर्ड में जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड हैं अलग अलग बुक्स में, उनको एक जगह पे कलेक्ट करके आपको डिस्कस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बाकी सब वर्ड्स तो पढ़ें, इन वर्ड्स को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये पूछे जाएंगे तो कम लोगों को ये पता होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस में दूसरों से लीड ले सकते हैं। क्योंकि अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि कंपटीशन में वो तो आना ही चाहिए जो ज़्यादातर लोगों को आता है, वो भी आना चाहिए जो कम लोगों को आता है, असल तो वो क्वेश्चंस लीड दिलाएंगे जो दूसरों को नहीं आते या कम लोगों को आते हैं बहुत। तो ऑन दिस वेरी नोट कि पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे से सब कुछ दिलो जान से तैयारी करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।